बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज मेडिसिन के हवाले से एक ऐसी ड्रग के ऊपर मैं आपके साथ अपना डिस्कशन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वो जो ड्रग है बड़ी इफेक्टिव है, बड़ी कारामद है, बड़ा उसका फ़ायदा है, बड़ा नाम है उसका। और अगर नाम मैं जैसे ही लूँगा तो बिल्कुल आपके जहन के ऊपर आ जाएगी कि ये टेबलेट जो है मैंने इस्तेमाल की है या ये टेबलेट जो है वो मैंने देखी है। हाँ, बिल्कुल भी बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की एक टेबलेट है जिसको 81 कहते हैं। 81 1 mg में भी आती है, 81 2 mg में भी आती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस ड्रग का मिसयूज़ जो है वो बहुत बड़ी हद तक हुआ है। काउंटर आइटम करके जो है वो मेडिकल स्टोर्स वालों ने चलाना शुरू किया है और उस वजह से लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो इसकी ख़रीदारी की है और ये मिसयूज़ इतनी हद तक लोगों ने किया है इसका कि ब्लिस्टर यानी 10 टेबलेट जो ब्लिस्टर में होती हैं वो एक साथ जो है वो पानी के साथ खा जाते हैं। जो एडिक्टिव लोग होते हैं मंशात के या कुछ टेबलेट्स के, उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी गलत तरीके से किया है। क्योंकि हमारे मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो है वो कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, वो उस हिसाब से जो है वो ये ड्रग जो है वो गलत इस्तेमाल हुई है, वो गलत हाथों में चली गई है। वरना ये जो ड्रग है ये हमारी फार्मास्यूटिकल दुनिया के अंदर जो है वो इंसोमनिया के हवाले से, एंजाइलाइट ड्रग के हवाले से जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी कारामद है, बड़ा इसका किरदार और रोल है। ये 81 जो है ये जो FDA से अप्रूव्ड हुई है वो एंग्जाइटी के हवाले से, बेचैनी है, घबराहट है, पसीना पसीना जिस्म हो जाता है, पल्पिटेशन होता है, दिल में धड़कन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, मुंह में खुश्की आ जाती है, दिमाग को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उदासी छाई जाती है सारे चेहरे के ऊपर। अगर बैठा हुआ है कोई आदमी किसी भी महफिल में, उसी टाइम पर उठकर वो जो है वो भाग कर निकलेगा कि मैं घर चला जाऊँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कौन सी परेशानी हो गई है, घबराहट हो गई है। तो ऐसी कैफियत के अंदर इस ड्रग का जो है वो बड़ा रोल और किरदार है। और उसके अलावा जो स्टेटस एपिलेप्टिकस के जो दौरे होते हैं कंटिन्यूसली जो फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो उन दौरों या उन फिट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल बड़ी हद तक होता है। बड़े साइकेट्रिस्ट जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं और वो अब ये चाहते हैं कि हम अल्कोहल छोड़ें, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, कोई ओपियम डेरिवेटिव वगैरह यानी कि ऐसी काफ़ी ड्रग्स या इंजेक्टेबल फॉर्म्स में दवाइयां मौजूद हैं जिसके अंदर जो है वो अफ्यूम होता है और वो उसके आदि होते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं अपने आप को, तो वो अगर चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को छोड़ें, अल्कोहल को छोड़ें या इन ड्रग्स को छोड़ें, तो उन कंडीशंस में भी जो है वो हम जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो 81 जो है वो रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट के कितने वज़न के अंदर जो है वो पेशेंट हमारा ठीक हो सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है, तो उसमें जो है वो हम ये रखते हैं। ये जो है वो बिलोंग करता है बेंजोडाइजिपिन ग्रुप के साथ और ये जो एक्ट करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो एक्ट करके और उस बंदे को जो है वो काम करता है, यानी कामिंग इफ़ेक्ट होता है, बिल्कुल भी ठंडा हो जाता है वो आदमी, उसका गुस्सा, उसकी चिड़चिड़ापन, उसकी बेचैनी वाली कैफियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन देखें कि सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि हम या मार्केट से लेकर ख़ुद ब खुद ये गोली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या अगर कोई डॉक्टर रखता है
तो हम फिर वो चलाते रहते हैं बगैर डॉक्टर के मशवरे के साथ, सालों साल तक हम इस्तेमाल करते हैं। या अगर डॉक्टर ने डोज जो है वो एक बीडी करके रखा या 1 mg बीडी करके रखा तो हम 2 mg बीडी कर देते हैं या 3 mg बीडी कर देते हैं, 4, 5, 6 तक चले जाते हैं, तो ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसे करने से जो है वो आप इसके आदि हो जाएंगे। और फिर जो है जब भी ये गोली जो है वो आप छोड़ेंगे तो आप में मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी आ सकती हैं, जिस तरह के ट्रबल इन स्लीपिंग, यानी कि नींद जो है वो आपकी उड़ सकती है, नाजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मेंटल चेंजेस आ सकती हैं, मूड एलिवेट हो सकता है, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख वगैरह जो है वो बिल्कुल भी लगना बंद हो जाती है, हार्ट बर्न, गैस की तकलीफ आ सकती है, मैदे के अंदर जो है वो पेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है वो हो सकती है, या कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तो जो भी दवाई हो, कोई भी दवाई हो, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप स्टार्ट करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से आप उसका जो है वो इख्तिताम करें। और जो वज़न दवाई का डॉक्टर जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो प्रिस्क्राइब करे, उतनी वज़न तहत जो है वो दवाई आप इस्तेमाल करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।